7 News। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में युग पुरुष धाम आश्रम में रहने वाले बच्चों का स्वास्थ्य अचानक से खराब हो गया था, जिसके कारण बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं 3 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन और पुलिस विभाग जांच में जुटा है। दरअसल मल्हारगंज थाना क्षेत्र में आने वाले युग पुरुष आश्रम में कई अनाथ बच्चे और शारीरिक रूप से अहड़ बच्चों का लालन पालन किया जाता है। यहाँ पर तमाम सुविधाएं बच्चों को दी जाती है, लेकिन खान पान के दौरान अचानक से बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ा है और उसके बाद में 12 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। इसके बाद जिला प्रशासन से कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस विभाग द्वारा जांच पड़ताल शुरू की गई। वहीं कलेक्टर का कहना है कि अभी फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है और 12 बच्चों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। एक बच्चे की मौत हुई है, उसको पहले से ही फिट की बीमारी थी, तो वहीं अन्य 2 बच्चे जिनकी मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी भी बच्चों का इलाज चल रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। देखिए, युग पुरुष संस्थान में आज सुबह जब जानकारी लगी कि 12 बच्चों को वहाँ पर उनकी तबीयत खराब है, तो तत्काल टाटा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ पर सभी का इलाज अच्छे तरीके से चल रहा है। शुरू में एक बच्चा काफ़ी सीरियस भी था, लेकिन अभी जैसा डॉक्टर्स बता रहे हैं कि वो स्टेबल है, लेकिन इसके साथ साथ जब अन्य तफ्तीश करी गई तो पता चला कि इसी इन्फेक्शन से 2 बच्चों की दुखद मृत्यु कल हुई है। उनका पंचनामे के लिए हम लोगों ने भेज दिया है, सॉरी PM के लिए भेज दिया है। इसके साथ साथ एक बच्चे की डेथ वहाँ पर परसों हुई है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको फिट्स आते थे, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। हालांकि उसका PM हो चुका है, PM की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ये जब 3 PM रिपोर्ट आ जाएंगी तो उसके आधार पर आगे की क्या कार्रवाई करनी है वो क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अभी हमारा जो फोकस है वो 2 मुद्दों पर है कि जो 12 बच्चे हमारे अभी अस्पताल में एडमिट हैं उनको बहुत जल्दी ठीक कर लिया जाए, और दूसरा इस प्रकार का इन्फेक्शन अन्य बच्चों में न पहुंचे और इसका कारण क्या है ये पता लगा लिया जाए, जिसके हम लोगों ने काम कर दिया। आप देख रहे हैं SNN 7 News। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसके डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। NJ इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। संपर्क करें 9827710237 9300015005।